हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा अमेज़ॉन पे लेटर आप कैसे इस्तेमाल करोगे और अकाउंट कैसे, अमेज़ॉन पे लेटर का मतलब कैसे एक्टिवेट करना है ऐप आपका अमेज़ॉन ऐप पे, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा फ्रेंड, ताकि हमारे वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अमेज़ॉन पे ओपन कर रखा है अमेज़ॉन को। जैसे ही आप यहां पर थ्री लाइंस देखते हैं अमेज़ॉन के ऊपर में, सिंपली हमें क्या करना है, इस पर सिंपली क्लिक करनी है। और सिंपली क्लिक करने के बाद हमें आ जाना है अमेज़ॉन पे वाले सेक्शन पे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा अमेज़ॉन पे बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है और उसके बगल में ही आपको अमेज़ॉन पे लेटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ गेट इंस्टेंट क्रेडिट, तो इस पे हमें क्या करनी है फ्रेंड, सिंपली क्लिक करनी है, क्योंकि हमारा अमेज़ॉन पे लेटर एक्टिवेट नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि क्या क्या, कैसे कैसे आपको यहाँ पर अपना अमेज़ॉन पे लेटर को एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, अमेज़ॉन पे लेटर के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि बाय नाउ पे लेटर, यानी अभी खरीदो और पैसे बाद में पे करो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शॉप पे बिल और बुक टिकट ऑन अमेज़ॉन पे नेक्स्ट मंथ एट ज़ीरो कॉस्ट ऑफ EMI। बताया जा रहा है कि क्या है ये, इसका लाभ मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो और टिकट बुक कर सकते हो अमेज़ॉन से, और यहाँ पर आप नेक्स्ट मंथ में इसका पेमेंट कर सकते हो, वो भी ज़ीरो कॉस्ट EMI में। ये है फ़ायदा आपका अमेज़ॉन पे लेटर का इस्तेमाल करने में। इंस्टेंट क्रेडिट अप टू 60,000 यहाँ पर दिखाया बताया जा रहा है। नो हिडन चार्जेज, यानी कि आपका कोई भी चार्जेज यहाँ पर नहीं लगेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं, फास्ट एंड ईजी फर्स्ट क्लिक पेमेंट, यानी कि बहुत जल्दी ही पेमेंट क्लिक हो जाएगा एक पेमेंट पे आपका, मतलब कि तुरंत अपना पेमेंट क्लिक कर सकते, मतलब पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर अब बताया जा रहा है साइन अप टू 60 सेकेंड, साइन अप इन 60 सेकेंड, यानी कि आप 60 सेकेंड के अंदर अपना साइन अप कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम ऑफर, गेट ₹100 बैक ऑन साइन अप एंड ऑटो रीपेमेंट सेटअप। यहाँ पर आपको यहाँ पर साइन अप करने के बाद गेट हैंडेड बैक, यहाँ पर आपको ₹100 मिलेंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है साइन अप करने के बाद ऑटो रीपेमेंट सेटअप करने के बाद, तो यहाँ पर और सारा कुछ बताया जा रहा है। EMI ऑप्शनल है, 3 से 12 मंथ EMI ऑर्डर 3,000 को एवब, और सारा कुछ यहाँ पर आप बाद में समझ लेना यहाँ पर इस सेक्शन पे आके। अब मैं बताऊँगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे आपको अमेज़ॉन पे लेटर को एक्टिवेट करने में। तो जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड, हाउ टू साइन अप, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे आपको साइन अप करना है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर पैन प्लस आधार नंबर एंड OTP। यहाँ पर आपको एंटर करना है अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आपको OTP यहाँ पर फिल करनी होगी। सेटअप वन टाइम ऑटो रीपेमेंट, सेटअप करना होगा वन टाइम ऑटो रीपेमेंट में, स्टार्ट यूजिंग अमेज़ॉन पे लेटर। जैसे अब इतना से कुछ देख लेते हैं, अब यहाँ पर साइन अप इन 60 सेकेंड, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा जा रहा है रीडायरेक्टिंग टू अमेज़ॉन पे, देखिए प्रोसेसिंग फॉर योर रिक्वेस्ट, थोड़ा सा वेट कर लेना है। और तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने ओपन किया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ये आपको अमेज़ॉन जो है आपको रीडायरेक्ट इस पेज पे कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 स्टेप में आपको अपना अमेज़ॉन पे को जो ऐप पे लेटर है वहाँ पर एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट में आपको पैन नंबर, जो भी आपका पैन नंबर होगा वो आपको यहाँ पर सिंपली फिल कर लेनी है। आप जैसे इस पर फिल करोगे, आपको यहाँ पर डेट जो है वो आपको फिल करना होगा, और आपका मंथ जो है वो भी सिलेक्ट करना होगा, और ईयर भी सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन जैसे मिलता है, इस पर सिंपली हमें क्लिक करना होगा। और सेकेंड ऑप्शन फिर आपको मैं फिल करके बताता हूँ। तो फ्रेंड, वो भी एक बात बताना मैं भूल गया था कि आपका जो ईयर होगा फ्रेंड, ईयर में आप देख सकते हैं कि आपका जन्म 1950 से लेकर 1998 के बीच में ही होना चाहिए, तभी ये आप कर पाओगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस बीच में नहीं आता है तो आप यहां पर से इस ऑफ़र का लाभ नहीं उठा पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ इस बीच में होता है तो आप यहाँ पर से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो।
तो फ्रेंड सेकेंड स्टेप, जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि हमारा डेट ऑफ बर्थ उस बीच में नहीं है, तो आपको यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू अपना पैन नंबर फिल करने के बाद, और आपको ईयर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको, जैसे मैंने पहले बताया अभी, तो आपका उस डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन जो है, आपको सेकेंड स्टेप पे जाओगे तो वहाँ पर आपका जो भी प्रोसेस होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा, फिल करना होगा, फिर सेट अप ऑटो रीपेमेंट वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन है वहाँ पर से आपको फिल करने के बाद, आपका जो सेटअप सारा कुछ करने के बाद, उसके बाद आपको OTP फिल करना है और आपका जो है Amazon पे लेटर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।